नमस्कार दोस्तों। अब भाई क्या होता है कि कई बार हमें कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है जो कि लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये दवाइयाँ अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही दवाई है जो कि है फोलिक एसिड टैबलेट। फोलिक एसिड टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि भाई ये जो फोलिक एसिड है ये आखिरकार है क्या। तो दोस्तों फोलिक एसिड एक वाटर सेल्यूबल विटामिन है, इसको हम विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जो फोलिक एसिड है विटामिन B9 है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, इसलिए इसे हमें बाहर से लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बात करें तो ये मेडिकल स्टोर पे कुछ पॉपुलर इसके ब्रांड नेम आते हैं, जैसे कि फोल वाइट टैबलेट 5 मिलीग्राम की ज़्यादातर बिकती है, तो ये टैबलेट आसानी से आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई इसको महिलाओं को कब दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका उपयोग है वह है अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भ में उसका जो शिशु पल रहा है, शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डी है उसके विकास के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो अगर आप गर्भवती हैं तो फोलिक एसिड का उपयोग जरूर करें। साथ ही अगर कोई महिला है अगर वो गर्भवती है तो उसको ब्लड की ज़रूरत भी ज़्यादा ही पड़ेगी, तो उस कंडीशन में ये ब्लड बढ़ाने में भी मदद करता है। अब ये ब्लड कैसे बढ़ाता है, तो ये क्या करता है आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने वाली जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ये महिलाओं को दिया जाता है, अगर उनमें ब्लड की कमी भी है तो वो भी इससे पूरी हो जाती है। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी किया जाता है। इस कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो साइज होता है दोस्तों वो बड़ा हो जाता है, नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर किसी महिला के शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, अब अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो इसके सिम्टम्स भी हैं, वो सिम्टम्स भी आप समझ लीजिए जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। लक्षणों में बहुत ज़्यादा थकान बनी रहना, मुँह में बार बार छाले हो जाना, त्वचा का पीलापन, भाई ब्लड की कमी होगी तो त्वचा का पीलापन हो जाएगा, तो ये लक्षण आपके जो है दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग वहां पर किया जाता है। साथ दोस्तों अगर कोई महिला है जो गर्भवती होने की योजना बना रही है तो उसके विकासशील भ्रूण में उत्पन्न होने वाले स्पाइना बिफिडा, जैसे न्यूरल ट्यूब दोष है जिसको शॉर्ट फॉर्म में NTD बोला जाता है, तो उसमें डिफेक्ट ना हो कोई, इसलिए उस डिफेक्ट से बचने के लिए इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर जरूर करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हर प्रेग्नेंट लेडीज गर्भवती महिला को डॉक्टर ये दवाई वहां पर देते हैं। तो यही है इसके उपयोग जो कि आपने जाना डिटेल में, हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको दूसरी कंडीशन में भी दे। अब आपको बताते हैं भाई इसको यूज कैसे करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टैबलेट को आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद ले सकती हैं। जो 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, वो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हों, तो उस केस में 5 मिलीग्राम की टैबलेट जो है लेना रहता है आपको। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो साइड इफ़ेक्ट में इसके साइड इफ़ेक्ट इतनी जल्दी नहीं देखे जाते हैं, फिर भी जैसे कि पेट का डिस्टेंशन होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैस ज़्यादा बनना, नौजिया या फिर वेट कम होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है तो इस टैबलेट को नहीं लेना है और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। बात कर लेते हैं सावधानियां। तो दोस्तों जिन महिलाओं को पुरुषों को इस दवाई से एलर्जी है, पहले कभी एलर्जी रह चुकी है, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। साथ ही अगर आपको हेल्थ से जुड़ा किसी प्रकार का अदर इशू है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से पहले संपर्क करके फिर इस दवाई का उपयोग करें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो फोलिक एसिड टैबलेट के ऊपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।